मैडम देखो एक मिनट दादो अही गलत है मेरे सामने दादो 2 मिनट 2 मिनट दा बस भाई एक मिनट रुक जा ध्यान बटा दे आए फिर अंग गुरते अमरदास राम दासे होई सहाय अर्जन हर गोविंद नो सिमरो श्री हर राय श्री जिखे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया कर नौ निध आवे पाए सब थाई होए सहाय दसवां पातशाह मास्टर स्ट्रोक खेलिया है आम आदमी पार्टी किस तरह देख रही है। देखिए सबसे पहले तो किसान के संघर्ष की जीत हुई है और इस इतनी बड़ी फतेह के अगर कोई असली हकदार हैं तो वो हमारा अन्नदाता देश का किसान है। जहाँ तक बीजेपी की बात है, मोदी साहब की बात है, उन्होंने अपना गुनाह कबूला है। गुनाह कबूलने वाले को सज़ा दी जाती है, शाबाशी नहीं दी जाती है। दोज हु प्लीड गिल्टी आर अवॉर्डेड अ सेंटेंस नॉट रिवॉर्डेड विद अप्रिसिएशन। तो बीजेपी को तो पंजाब की और पूरे देश की जनता समय आने पे सज़ा देगी, लेकिन जो अभी फैसला आया ये बहुत बड़ा फैसला है और आज़ाद भारत के इतिहास में सबसे बड़ा जन आंदोलन, एक ऐसा आंदोलन जिसमें देश के किसान ने ना दिन देखा ना रात देखी, ना धूप देखी ना छांव देखी, ना सर्दी देखी ना गर्मी देखी, संघर्ष करते रहे। उनकी इस संघर्ष को सलाम करते हैं हम सब। आज देश के किसान के संघर्ष के सामने नतमस्तक हैं, उन्हें बहुत बहुत बधाई देते हैं। कैप्टन साहब बीजेपी के साथ हाथ मिलाने की तैयारी कर रहे हैं, इस तरह की बातें आ रही हैं जी कि कैप्टन बीजेपी से हाथ मिलाएंगे और लगता है अकाली दल भी कहीं ना कहीं दूर से इनके साथ मिल जाएगा। बीजेपी का हाल तो पंजाब में ये है कि हम तो डूबेंगे सनम, साथ तुम्हें भी ले डूबेंगे। इसमें कौन डूबेगा जी? तो बीजेपी तो डूब ही रही है, साथ जो भी जुड़ेगा वो भी साथ में डूबेगा उनके। अब जिस जिस को डूबने का शौक है, अकालियों को शौक है, कैप्टन साहब को शौक है, जिसको शौक है वो बीजेपी के साथ उसके मगर से चल दे। कैप्टन साहब कहते हैं मैं शुरू से पानी का राखा माना जाता था कि असली किसानों को समझा नहीं पाए, क्या तुसी किस तरह देखते हो इस वर्ड नो कि असली किसानों? कौन बोले जी? मोदी बोले हैं कि असली किसानों को समझा नहीं पाए। देखिए जब कानून आता है जिसके लिए कानून बनाया गया, अगर वही इस बात को समझ जाए और ये कहे कि ये कानून हमारे हित में नहीं है तो ऐसा कानून लाने की क्या ज़रूरत। ये तो सब जानते हैं कि फार्मिंग का, खेती का कॉरपोरेटाइजेशन करने के लिए कानून लाए गए, दो गुजरातियों को फ़ायदा देने के लिए कानून लाया गया, ये तो सब जानते हैं। और आज देश के किसान ने एक बहुत लंबा संघर्ष लड़ा है, कोई पॉलिटिकल पार्टी इस संघर्ष के लिए वाह वाह नहीं लूट सकती। ये किसान का पाक साफ ए पॉलिटिकल बिना किसी सियासत के संघर्ष रहा है और हम नतमस्तक होकर सलाम करते हैं किसानों। कांग्रेस पार्टी कहती हमने भी जंतर मंतर पे धरना लगाया था और वो धरने के कारण उन्होंने धरना लगाया था और 12 बजे लगाते थे, उनके एमपी बैठते थे, 4 बजे तक घर चले जाते थे, बहुत सफल धरना था। वो कहते जी आम आदमी पार्टी ने कभी भी प्रोटेस्ट नहीं किया बिजली बिल के खिलाफ, इन, इन, इन खेती बिलों के खिलाफ कभी भी ना दिल्ली बंद करवाई ना कभी प्रोटेस्ट किया। अरविंद केजरीवाल जी इकलौते ऐसे नेता पूरे देश में, भारत देश के इकलौते ऐसे नेता जिन्होंने दिल्ली विधानसभा की पटल पे खड़े होके हाउस में असेंबली में तीनों काले कानून फाड़ के एक स्नेहा दिया, एक मैसेज दिया कि हम काले कानून के खिलाफ हैं। अगर संसद में सबसे ज़्यादा बुलंदी से किसी ने आवाज़ उठाई तो हमारे भगवंत मान और हमारे एमपी संजय सिंह ने उठाई। तो हम तो संसद से लेकर सड़क तक किसानों के साथ खड़े थे, खड़े हैं, खड़े रहेंगे और आने वाले समय में भी देश के किसान का विश्वास आम आदमी पार्टी में पाक साफ लोगों में सदैव बना रहेगा। अकाली दल और ये जो टाइप नया सामने आ रहा, अभी हुआ नहीं है, अकाली दल कैप्टन और बीजेपी, क्या इससे आम आदमी पार्टी को फर्क पड़ेगा? देखिए मैंने तो आपको कहा कि बीजेपी का इस समय यही हाल है कि हम तो डूबेंगे सनम, साथ तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो जो जो डूबना चाहता है वो बीजेपी की गोद में जाकर बैठ जाए। और पूरा पंजाब इस बात को जानता है
कि नरेंद्र मोदी साहब पंजाब की 4 पार्टियों को रिमोट कंट्रोल से चलाते हैं, अपनी पार्टी बीजेपी को, मायावती जी की पार्टी बीएसपी को, बादलों की शिरोमणि अकाली दल को और कांग्रेस पार्टी को, इन चारों पार्टियों को नरेंद्र मोदी जी रिमोट कंट्रोल से चलाते हैं। अब आप बीएसएफ का एग्जांपल ले लीजिए, सीएम बनने के कुछ ही हफ्तों बाद चन्नी साहब की ऐसी मजबूरियां हो जाती हैं कि चन्नी साहब को आधा पंजाब 50,000 स्क्वायर किलोमीटर में से 27,000 स्क्वायर किलोमीटर मोदी साहब को सौंप के आना पड़ता है, मोदी जी की झोली में डाल के आना पड़ता है। क्यों? क्योंकि पंजाब की कांग्रेस को भी नरेंद्र मोदी जी अपनी रिमोट कंट्रोल से चलाते हैं। तो ये सारी पार्टियां एक होकर लड़ेंगी और इनका मुकाबला एक शख्स से होगा, उस शख्स का नाम है अरविंद केजरीवाल। क्या अरविंद केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री बन सकते हैं? क्या आपको सवाल है? इलेक्शन होने वाले हैं, इलेक्शन 2-3 महीनों के बाद शुरू हो जाएंगे। अब इस चेंज के बाद क्या, कैसे देखते हैं स्नैरो, क्या रहेगा? देखिए, ये तो आने वाला समय बताएगा, आज ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि ये 3 काले कानून बनाने में कैप्टन साहब, मनप्रीत बादल और कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से हकदार थी, इसकी भागीदार थी, और इन लोगों ने ये काले कानून ड्राफ्ट करवाए। हरसिमरत कौर बादल कैबिनेट की मंत्री थी, उन्होंने इन काले कानूनों को पास करवाया। तो जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी जननी थी, माँ थी, इन सारे काले कानूनों के फादर कहें तो वो शिरोमणि अकाली दल था। तो इन दोनों की तो किसानों की किसान विरोधी मानसिकता जग जाहिर है, पूरा पंजाब जानता है। सर, एक आखिरी सवाल, इसका जवाब स्पष्ट नहीं मिलेगा, आम आदमी पार्टी जब आपको पता है तो चेहरा कब देगी वो? देखिए, मैं बता सवाल पूछते हैं, नहीं मैं बता, मैं आपके माध्यम से आपके थ्रू पंजाब के लोगों को भी ये कहना चाहता हूँ कि अब इंतजार की घड़ियां खत्म होने को आई हैं। बहुत जल्द आम आदमी पार्टी अपने सीएम चेहरे का ऐलान करेगी। मैं समझ सकता हूं ये बेताबी, क्योंकि हर व्यक्ति, हर पंजाब का आदमी अपना अगला मुख्यमंत्री का चेहरा देखना चाहता है। वो चेहरा आपको दिखाएंगे, खूब जोर शोर से दिखाएंगे, और हर पॉलिटिकल पार्टी का एक अधिकार होता है, एक राइट होता है, एक हक होता है अपना, कि वो कब मुख्यमंत्री का चेहरा ऐलाने। ये हमारी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। बहुत जल्दी ऐलान दो तो उसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, बहुत देर से ऐलानो तो उसके कोई प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। तो जो टाइमिंग का मसला होता है वो बड़ा सटीक होना चाहिए, बड़ा जबरदस्त होना चाहिए। तो आने वाले इसके बारे में आने वाले समय में आपको जरूर बताएंगे। ये हमारी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी। मीटिंग हुई है केजरीवाल साहब की, केजरीवाल साहब सबसे मिलते हैं और बड़े बड़े लोग, मिशन पंजाब भी आप चला रहे हैं, शुरू कर रहे हैं। देखिए, 22 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी के प्रधान अरविंद केजरीवाल जी पंजाब आ रहे हैं। 22 तारीख से केजरीवाल का मिशन पंजाब शुरू होने जा रहा है, और अब आप देखेंगे कि कैसे अब पूरा पंजाब एकजुट होकर इस बार एक आवाज़ में कहेगा, एक मौका केजरीवाल नू, एक मौका झाड़ू नू। सर, नवजोत सिंह सिद्धू 75-25 की बात करते थे, क्या उसको अब खत्म हो गया 75-25 वाला रेशो? अब ये तो सिद्धू साहब बताएंगे, इस पे मैं क्या कह सकता हूँ। जहाँ तक माइनिंग की बात है, माइनिंग माफिया चल रहा है। चन्नी साहब ने ये कहा कि माइनिंग माफिया मेरे से आकर ना मिले, मैं माइनिंग वाले लोगों से नहीं मिलूंगा, और 2 मंत्री अपने कैबिनेट में बिठा लिए, एक बाएं तरफ, एक दाएं तरफ, एक सज्जे पासे, खब्बे पासे, वो दोनों माइनिंग करते हैं। कहा नशा खत्म कर दूंगा, नशे के सौदागर खूब पैसा कमा रहे हैं और लोगों की, पंजाब के युवाओं की नसों में नशा छोड़ रहे हैं। तो जैसा कैप्टन साहब के समय पर सिस्टम चल रहा था, 75-25 हो या 50-50 हो, वैसा ही सिस्टम चन्नी साहब के समय में भी चल रहा है। बस फर्क इतना है कि चन्नी साहब को फोटो अच्छी खिंचवानी आती है, वीडियो अपना अच्छा बनाते हैं, अपने 50-60 कैमरे कुमरे लेकर साथ चलते हैं, बढ़िया फोटो में खिंचवाते हैं, वाहवाही लूटते हैं। बस इतना ही फर्क है कि कैप्टन साहब महल से नहीं निकलते थे, और चन्नी साहब जब अपने महल से निकलते हैं तो 50 कैमरा लेकर निकलते हैं। दोनों में से अच्छा कौन है? ये तो पंजाब की जनता बताएगी आपको। किसान आगू का नाम कि जब देखो, मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊं जी। जब पंजाब के लोगों ने कांग्रेस जहाज को बदलने का मन बना लिया, तो जहाज के कप्तान को बदल के
आप ये सोचें कि लोगों का मन बदल जाएगा, वो नहीं होगा। इस बार कांग्रेस को उखाड़ फेंकेंगे। और देखिए, इनकी सबकी एक ही विचारधारा, एक ही मानसिकता है सारे कांग्रेसियों की, कि पंजाब को लूट खाओ, अपने महल बनाओ, अपनी गाड़ियां बनाओ, अपने बड़े बड़े कारखाने खोलो, रेस्टोरेंट खोलो, होटल बनाओ, फैक्ट्रियां खोलो। मैं पूछना चाहता हूं, जितने कैबिनेट के मंत्री हैं कांग्रेस पार्टी के, मुख्यमंत्री से लेकर नीचे तक, सबके आप आज से 10 साल पहले उनके पास क्या ज़मीन जायदाद थी वो उठा लीजिए, और आज क्या ज़मीन जायदाद है वो उठा लीजिए। इन्होंने सिर्फ पैसे बनाए हैं। और एक तरफ हमारे एमपी हैं भगवंत मान, जब पहली बार चुनाव लड़े थे तब जितने उनकी जायदाद थी वो आधी रह गई अगले चुनाव, जब तीसरी बार चुनाव लड़े तो उसकी भी आधी रह गई। ये ईमानदार नेता होता है जो काम करता है लोगों के लिए, और दूसरी ओर ये कांग्रेस पार्टी है जो लोगों को बेच खाती है। जी, गुरनाम सिंह चुड़ूनी की ओर से पार्टी अनाउंस की गई है 2022 में इलेक्शन लड़ेंगे पंजाब से।